हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार पीसीएसजे प्रीलिम्स के लिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज हम एक बात करेंगे कि आप एक इस पॉइंट पर हैं और ये पीरियड है पेंडेमिक का और यहाँ आपका एक पेपर, ये बिहार पीसीएसजे प्रीलिम्स होना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टेज पर हैं और यहाँ ये पूरा पेंडेमिक का है तो आप स्टडी कब करेंगे, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब या इस पीरियड में आप प्रिपरेशन करेंगे? तो फ्रेंड्स, इस पीरियड का फ़ायदा उठाइए और आपको क्रैक करना है तो अभी से पढ़ना होगा, पढ़ते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डाइवोर्स ए मुस्लिम वूमेन कैन नॉट रीमैरी, कैन रीमैरी इमीडिएटली, सी है कैन मैरी ओनली आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ इद्दत्स पीरियड, डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा सी, कैन मैरी ओनली आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ इद्दत्स पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सुन्नीज लॉ द गार्जियन ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी इज, और गार्जियन होते हैं माइनर की प्रॉपर्टी के फादर, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ्स नॉट एक्सीडिंग 4। If Muslim marries a fifth wife, such marriage shall be, और वो मैरिज होगी irregular, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एबसेंस ऑफ मदर विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल्स हैज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी टू हैव द कस्टडी ऑफ मुस्लिम चाइल्ड, और अगर मदर नहीं है तो ये इसकी प्रायोरिटी होगी मदर्स की, मदर। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हस्बैंड एंड वाइफ मे फाइल ए पिटीशन ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है 13B में। करेक्ट आंसर होगा बी, सेक्शन 13B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द प्रोविज़न रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज गिवन, और रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है सेक्शन 8। करेक्ट आंसर होगा ए। फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट, नॉट पर ध्यान देना है, एन अनमेरिड पर्सन, हस्बैंड विद द कंसेंट ऑफ वाइफ, वाइफ हु इज डाइवोर्स्ड, हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ। करेक्ट आंसर होगा डी, हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ अडॉप्ट करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मिताक्षरा स्कूल को पार्शनरी इंटरेस्ट डिवॉल्व्स, और ये है रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर होगा ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हु अमंग्स द फॉलोइंग नॉट इन क्लास 1 ईयर, और करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, फादर नहीं आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिंदू डाइज इंटरेस्टेड लिविंग बिहाइंड 2 sons, 1 daughter एंड ए विडो, फ्रेंड्स हिज प्रॉपर्टी शेल डिवॉल्व टू, और ये जाएगी सन्स, डॉटर और विडो सभी को। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिंदू मैरिड वुमेन ऑफ 32 years ऑफ एज अडॉप्ट्स ए मेल चाइल्ड ऑफ ईयर्स विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, द अडॉप्शन इज, और ये होगा वैलिड, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पार्टीज टू ए हिंदू मैरिज आर सपेंड टू ईच अदर द मैरिज इज, सपेंड में शादी नहीं होती है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर होगा ए, वॉइड हो गई मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और ये दिया गया है सेक्शन 9 में। करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रेंड्स रिविजन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम सक्सेडिंग टू एनी प्रॉपर्टी इन द ग्राउंड ऑफ एनी डिसीज डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी इज प्रोवाइडेड अंडर, और ये बताया गया सेक्शन 28 में। करेक्ट आंसर होगा ए, सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेंट थ्योरी ऑफ द डाइवोर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन द ईयर, और ये था 1976। करेक्ट आंसर होगा बी,
फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, कल फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और फ्रेंड्स कल है संडे और हम कवर करेंगे मार्च का करंट अफेयर। फ्रेंड्स उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है कि कल दिन में आप जनवरी और फेब का करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लें, देन हम मार्च देखेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, शेयर विद ऑल।